हेलो डियर स्टूडेंट्स, लाइफ लाइन्स ऑफ इकोनॉमी चैप्टर के इस ट्यूटोरियल पार्ट में हम रेलवेज़ को स्टडी करने चल रहे हैं। रेलवेज़ मींस जो रेलवे ट्रैक्स होती हैं उन पर दौड़ने वाली गाड़ियाँ जिन्हें इंजन घसीटता है और कई बोगीज उसमें होती हैं, और इसे कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है, जो पैसेंजर्स को भी कैरी करता है और फ्रेट यानी माल की भी ढुलाई करता है। और आपको पता है इंडिया में ब्रिटिश इरा में ही पहली ट्रेन चलाई गई थी, फर्स्ट ट्रेन 1853 में, और ये थी 16 अप्रैल को, समझे आप, 16 अप्रैल को 1853 में। कहाँ से चली थी ये? मुंबई यानी पोरबंदर से चली थी और थाने तक, वही पोरबंदर आज शिवाजी टर्मिनस के रूप में जाना जाता है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। और तब से लेकर आज तक ये हालत है रेलवे की कि एशिया का तो लार्जेस्ट रेलवेज नेटवर्क इंडिया में है और वर्ल्ड की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट है। और आपको पता है 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रोजाना, पैसेंजर्स की मैं बात कर रहा हूँ, सफ़र करते हैं, और 12,000 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ सफ़र करती हैं, पैसेंजर्स को लेके जाती हैं। और अगर इसमें गुड्स ट्रेन को भी जोड़ दिया जाए तो ये लगभग 19-20 हज़ार के लगभग पहुँचेगी ये संख्या। और फिर भी अगर आप रिजर्वेशन कराइए तो आपको ट्रेन में जगह नहीं मिलती है। ये सब कमाल है 1 अरब 30 करोड़ जनता का। तो रेलवेज़ आर्टेरियल नेटवर्क हैं इंडियन इकोनॉमी का। ओके, रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रेट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। तो भाई जो माल ढोना हो या सवारी, इनका प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ रेलवेज़ ही है, मतलब इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। और रेलवेज़ की वजह से क्या होता है, इट इज़ पॉसिबल फॉर पीपल टू कंडक्ट मल्टी फेरस एक्टिविटीज़, मतलब वो कई तरह की जीवन की गतिविधियों में रेलवेज़ का यूज़ करते हैं, जैसे बिजनेस पर्पज़ के लिए भी सफ़र करते हैं, अगर कहीं टूरिस्ट बन के जा रहे हैं साइट सीइंग के लिए तो भी इसका यूज करते हैं, तीर्थयात्री भी इसका यूज करते हैं, और गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन तो होता ही होता है ना डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए लोग रेलवेज़ का यूज़ करते हैं, बस ये समझ लीजिए। और रेलवेज़ का यूज़ लॉन्गर डिस्टेंस के लिए अच्छा होता है, शॉर्टर डिस्टेंस के लिए तो हमने पढ़ा था रोडवेज ही ठीक है। अपार्ट फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट द इंडियन रेलवेज हैव बीन अ ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स, ये क्वेश्चन भी बन जाता है। देखिए क्वेश्चन तो बहुत से बनते हैं, मैं यहाँ डिस्कस इसलिए नहीं करता क्योंकि हमारी एक नोट सीरीज है, उस नोट सीरीज में जितने भी वीडियोज़ हैं उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब CBSE बोर्ड एग्जाम पर बेस्ड है, यानी उसमें आप कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं जो कभी CBSE बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया हो, और हमारे PDF नोट्स भी इसी पे बेस्ड होते हैं। तो किस तरह से इंटीग्रेटिंग फोर्स है आप वहाँ नोट सीरीज वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्योंकि चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज है। कि लगभग 150 साल से भी ज़्यादा रेलवेज एक इंटीग्रेटिंग फोर्स है, यानी जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं उनके एकीकरण, उनमें समन्वय स्थापित करने का काम करती है रेलवेज़। इट बाइंड्स द पीपल एंड ऑल्सो द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री, और इसकी वजह से इट एक्सीलरेट्स डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। तो देखिए इंडस्ट्री एग्रीकल्चर की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, देश की अर्थव्यवस्था को बाइंड करने की बात हो, रेलवेज आगे आती हैं। बाइंड करने का मतलब ये है कि एक कोने से दूसरे कोने तक कनेक्ट करती हैं ये रेलवेज़। भारी भरकम मटेरियल ढोना हो, यहाँ से वहाँ पहुँचाना हो तो रेलवेज़ का ही तो यूज होगा, तो सप्लाई यानी गुड्स ट्रेन के रूप में भी बहुत बड़ा योगदान है। और इंटीग्रेटिंग फोर्स भी है, मतलब पता चला कि आप ट्रेन के डिब्बे में बैठे हैं तो कोई केरला का हो सकता है, कोई वेस्ट बंगाल का हो सकता है, सो मेनी पीपल सिटिंग टुगेदर इन अ कंपार्टमेंट टॉकिंग टुगेदर, तो एक इंटीग्रेशन तो डेवलप होता ही है, एक कॉमन आइडेंटिटी तो बनती है कि हम इंडियन रेलवेज़ को यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे जिस आप स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए उस स्कूल का नाम है ABC, तो इससे पढ़ने वाले जितने भी बच्चे होंगे दुनिया के चाहे जितने भी कोने में रहे हैं उनका ये स्कूल एक इंटीग्रेटिंग फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि इन सब की कॉमन आइडेंटिटी यहाँ आगे जुड़ती है कि हम यहाँ के हैं, हम यहाँ के हैं, हम यहाँ के हैं, हम यहाँ के हैं। उसी प्रकार से इंडियन रेलवेज़ है सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस जिसको सारे लोग यूज़ करते हैं, सबको इकट्ठा ले आती है एक साथ ही, और यही इंडियन रेलवेज़ इंडियन इकोनॉमी में अपना योगदान देती है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इंडियन रेलवे इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड इन 16 जोन्स। तो देखिए भाई अब 16 तो नहीं, अब 18 जोन हो चुके हैं, ठीक है। और इसमें लेटेस्ट जो है वो साउथ ईस्ट कॉरिडोर है, और कोंकण रेलवे को भी इसमें शामिल किया जाता है। और ये जोन जो होते हैं ना, क्षेत्र होते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए हम ऐसा करते हैं, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो 4 मेन तो यही जोन हो गए है ना, नॉर्दर्न रेलवे, सदर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, और ये 4 मेट्रो सिटीज़ हैं, इनके हेडक्वार्टर्स हो गए। अब से ये दिल्ली हो जाएगा, ये कोलकाता हो जाएगा, ये मुंबई हो जाएगा, और ये चेन्नई हो जाएगा। इसके बाद फिर आप निकाल दीजिए दिशाएं, फिर उसके बाद सेंट्रल कर दीजिए, ऐसे कुल मिला के लगभग 18 हैं इस वक्त लेटेस्ट। और हर जोन के डिविजन्स होते हैं, एक जोन में कई डिविजन हो सकते हैं, तो इट इज़ जस्ट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ रेलवेज़, उसको ठीक ढंग से चलाने के लिए ऐसा किया गया है।
अब जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में और गोरखपुर में हेडक्वार्टर्स हैं। और इसमें कहा गया है कि जो आप जोन्स को पता करिए उनके हेडक्वार्टर्स भी पता करिए, वो भी रेलवे जोन्स और वो भी हेडक्वार्टर्स सब मैप ऑफ इंडिया में। ये स्क्रीन पे आपको मैप दिखाई दे रहा है जिसमें आपको डिफरेंट जोन्स ऑफ रेलवेज दिखाई दे रहे हैं। आइए और आगे चलते हैं। आप देखते हैं कि यहाँ पे दिखा गया है कि जो रेलवेज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, मतलब कहाँ पे लाइनें बिछनी है, कैसे बिछनी है, तो बहुत कुछ डिपेंड करता है फिजियोग्राफिक एंड इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स पे। जैसे अभी मैंने बताया जोन्स, तो दरअसल रेलवेज़ के एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर की वजह से ये जोन्स मैनेजमेंट में मदद करते हैं, यानी रेलवे का प्रशासन कैसे चलना चाहिए। अब जैसे जो है नदन प्लेन्स है, मतलब फिजियोग्राफिक का मतलब पृथ्वी की बनावट, उसकी टोपोग्राफी। तो जैसे नदन प्लेन्स हैं तो उनका लेवल वास्ट होता है, वास्ट लेवल ऑफ लैंड है, उत्तर भारत के मैदान हो गए, और वहाँ पे सघन जनसंख्या रहती है प्लेन एरियाज़ में, क्योंकि नदियाँ बहती है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है और एग्रीकल्चर भी अच्छी खासी होती है, तो रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज भी हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ पे रेलवे की ग्रोथ के सारे इंडिकेशंस नज़र आते हैं कि हाँ यहाँ रेलवे लाइन बिछाई जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, माल की ढुलाई भी काफ़ी ज़्यादा होगी यहाँ पे, और यहाँ नीड है इसकी, और लेवल होने की वजह से यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई भी जा सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि बहुत सी रिवर्स यहाँ से बहती हैं, जैसे उत्तर भारत मैदान में कितनी बड़ी बड़ी नदियाँ यहाँ पे बहती हैं, तो फिर उनको पुल बनाना पड़ता है अक्रॉस वाइड बेड्स, मतलब नदियों के ऊपर, और ये सब रुकावटें हैं अगर हम मैदानी इलाकों में भी अगर हम रेलवे लाइन बिछाते हैं तो। इसी प्रकार से अगर हम हिली टेरेन्स को देखें, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों को देखें, या पेनिनसुलर रीजन जो आपको मैप में आप देखा होगा पेनिनसुलर रीजन, तो रेलवे ट्रैक्स वहाँ पर भी बिछाई गई हैं जो निचली पहाड़ियाँ हैं, और पहाड़ियों के बीच में गैप्स होते हैं या फिर ज़रूरत पड़ने पे टनल्स बनाई जाती हैं, पहाड़ियों के अंदर से गुजारी जाती हैं, है ना, अंदर से। द हिमालयन माउंटेन रीजन्स टू आर अनफेवरेबल, इसलिए पहाड़ी जो क्षेत्र है खासकर हिमालयन माउंटेन रीजन की हम बात करें तो अनफेवरेबल है, मतलब वहाँ पे समझ लीजिए मन ही नहीं करेगा कि रेलवे लाइन बिछाई जाए। और उसका कारण है कि हाई रिलीफ, मतलब काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ग्रेडियंट आपको ऊंचाई नीचाई देखने को मिलती है, तो कहाँ तक आप टनल बना बना के ट्रेन को निकालोगे। और फिर पॉपुलेशन भी कम है, स्पेर्स पॉपुलेशन है, मतलब वहाँ पे जनता कम रहती है तो रेलवेज़ का कम यूज होगा, और वहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है। देखिए प्लेन में सब ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर होती है अच्छी खासी और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और जिसकी वजह से वहाँ पे सप्लाई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो जो हमारा डेजर्ट एरिया है, जो हमारा सैंडी प्लेन है तो प्लेन वहाँ पे, जैसे वेस्टर्न राजस्थान, बीकानेर, जैसलमेर का क्षेत्र, या गुजरात के जो दलदली इलाके हैं, स्वाम्प्स इलाके हैं, या मध्य प्रदेश में जो जंगली इलाके हैं, मत आप जब मुंबई जाइए उत्तर प्रदेश से तो देखिए कितना फॉरेस्टेड ट्रैक पड़ता है, ऊबड़ खाबड़ टोपोग्राफी है मध्य प्रदेश की। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़, इसी प्रकार से उड़ीसा है और झारखंड, तो प्रॉब्लम आती है रेलवे लाइन बिछाने में। और अगर हम वेस्टर्न कोस्ट में देखें तो सह्याद्री का जो इलाका है, फॉरेस्टेड हिली ट्रैक है, कंटिजियस का मतलब एक साथ चलता चला गया है ये इलाका लगातार, तो अगर वहाँ से रेलवे लाइन बिछानी हो तो सिर्फ वो गैप्स और पासेस से ही, जिन्हें हम घाट कहते हैं, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि जो हमारा वेस्टर्न घाट है तो उसमें जगह जगह जो है घाट, पाल घाट, बोर घाट, इस तरह से कई घाट बने हैं, तो वहाँ से तो रेलवे लाइन निकाली जा सकती है, कटा फटा डिसेक्टेड इलाका है। लेकिन वहाँ पर भी हमारे जो इंजीनियर्स ने बड़ा कमाल किया है, तो हाल के वर्षों में वहाँ पर कोंकण रेलवे डेवलप की गई है वेस्ट कोस्ट के अलॉन्ग, और जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों का मूवमेंट पैसेंजर्स का और गुड्स का शुरू हुआ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रीजन भी है, क्योंकि यहाँ पे मुंबई है ना, तो मुंबई में जो रोहा है महाराष्ट्र में, वहाँ से लेके मैंगलोर तक ये लाइन ड्रॉ की गई है, बनाई गई है, पूरा पहाड़ी इलाका है, तो इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडियन रेलवे इंजीनियर्स। और यहाँ पे भी कई प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती रहती हैं, जैसे ट्रैक्स कभी सिंक कर जाते हैं, नीचे धस जाते हैं, कभी लैंडस्लाइड्स होती है क्योंकि पहाड़ी इलाका है ना, कंटिन्यूअस स्ट्रेच है। इसके लिए हम एक मैप ले लेते हैं। अब जैसे ये पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा यहाँ से रोहा से लेके और ये मैंगलोर तक ये लाइन गई हुई है, और ये है आपका कोंकण रेलवे। और इकोनॉमिक जोन ग्रेट एक्टिविटी का इसलिए है क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, अच्छी खासी जनसंख्याएं मिलती हैं यहाँ पे, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना भी है। अभी देखिए यहाँ पे ना, ये है रोहा और ये है मैंगलोर, और देखिए किस प्रकार से हिली ट्रैक है ये, और यहाँ पे लाइनें बिछाई गई हैं, तो दिस इज़ कोंकण रेलवे। और आज क्या है कि द रेलवेज़ हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट इन आवर नेशनल इकोनॉमी, आज भारत की राष्ट्रव्यवस्था में इनका बहुत बड़ा योगदान है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में तो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से भी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है, यानी सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को एक जगह इकट्ठा कर दीजिए और रेलवे को अलग रख दीजिए,
तो ये भारी पड़ेगा। 2400 घंटे ट्रेन दौड़ती रहती हैं, लेकिन इनकी अपनी समस्याएं भी हैं, जैसे कि कई लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं, इससे इकोनॉमिक हानि होती है, चोरी होती है, और रेलवे प्रॉपर्टी को लोग डैमेज भी करते हैं कि नई नई गाड़ी आई है, सब बैठे हैं तो पता चला जिस सीट पर बैठे हैं उसी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उसके कुशंस को निकाल निकाल के बाहर कर दे रहे हैं। पैसेंजर ट्रेन्स को तो लोग रास्ते में ही रोक लेते हैं, चेन पुलिंग कर लेते हैं, है ना, पीपल स्टॉप ट्रेन्स, पुल द चेन अननेसेसरीली, जिसकी वजह से हैवी डैमेज होता है रेलवे को। तो हमें इसके बारे में सोचना है कि किस प्रकार से हम रेलवे की हेल्प कर सकते हैं कि वो अपने शेड्यूल टाइम पे चला करें, क्योंकि रेलवे में डिले की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ट्रेन अपने टाइम से लेट आती हैं। तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम इंडियन रेलवे को और ज़्यादा स्ट्रांग करें, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसके अलावा यहाँ पे गॉज दिए गए हैं, इनको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि वैसे तो 4 होते हैं, एक स्टैंडर्ड गॉज भी होता है, जैसे जो दिल्ली मेट्रो वगैरह है इसी गॉज पे रन करती हैं। दरअसल जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना, तो इन रेलवे ट्रैक्स के जो बीच की यानी अंदर का जो डिस्टेंस होता है, इसकी दूरी को ही गॉज कहा जाता है, और ब्रॉड गेज में ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा, नैरो गेज में कम होगा। इसलिए देखिए यहाँ पे ब्रॉड गॉज 1.676 मीटर है, जो कि 5 से 6 फीट पड़ेगा, और मीटर गॉज 3 से आपका 3.5 फीट, और ये नैरो गेज जिसे छोटी लाइन भी कहा जाता है, स्मॉल लाइन, इसे लार्ज लाइन कहा जाता है, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, ये लगभग 2 फीट 6 इंच पड़ेगा, और ये बहुत कम रहेगा, लगभग 2% होगा पूरा इंडियन रेलवे नेटवर्क का। ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो रही हैं लाइनें, इसलिए सबसे ज़्यादा यही है। इनका ये होता है कि अगर ज़्यादा कैपेसिटी ढोना है और स्पीड से ट्रेन चलानी है तो ब्रॉड गेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसकी कॉस्ट भी सबसे ज़्यादा आती है। लेकिन जो पूरे एरियाज़ हैं वहाँ पे कम कॉस्ट पर लाइन बिछानी है, कनेक्ट करना है, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन भी नहीं, तो नैरो गेज ला के और इसे कन्वर्ट किया जा सकता है ब्रॉड गेज में बाद में, या ला के किसी ब्रॉड गेज लाइन से जोड़ा जा सकता है। और जो हमने स्टैंडर्ड गेज अभी आपको बताया था, तो वो होता है 1.435, और ये लगभग 4 पॉइंट यानी कि 4 फिट 8.5 इंच के लगभग पड़ेगा। और इनका यूज़ जो अर्बन जो रेलवे नेटवर्क है, जैसे मुंबई वगैरह में, महाराष्ट्र में, और या मेट्रोज हैं, वो यूज़ करती हैं। तो इंडियन रेलवे मल्टीपल गॉज पे भी ऑपरेट होता है, चलता है। तो डेटा बदलते रहते हैं, इसलिए कीप एन आई ऑन द लेटेस्ट डेटाज। तो ये वीडियो ट्यूटोरियल यहीं ख़त्म होता है, अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम पाइपलाइंस को लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। अजीत सर से जी, गुड बाय, स्टडी वेल एंड स्कोर वेल।